देखो, जब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है, कितनी बार तुम लोग गाने सुनते हो, साथ में पढ़ाई भी कर लेते हो, है ना, कार भी चला लेते हो, सारे काम एक साथ हो जाते हैं ना, ठीक है। खाना खाते खाते हम लोग क्या करते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, मूवी भी समझ में आ जाती है, खाने का टेस्ट भी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हर चीज का बैलेंस क्या करके चलते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। इस पूरी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ह्यूमंस के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ह्यूमंस में तो हमारी बॉडी में ऐसे तीन सिस्टम्स हैं जो एक साथ काम करते हैं, जिससे क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। तो सबसे पहला होता है CNS। क्या होता है CNS? CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली तीन चीजें होती है, कौन सी? पहला ब्रेन, हमारा दिमाग, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब सारे के सारे न्यूरॉन्स, हमारी नर्व सेल्स जो रहती है, जो कभी सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास जा रही है, या ब्रेन से कहाँ जा रही है, सेंस ऑर्गन के पास जा रही है, मसल्स के पास जा रही है वो। और तीसरा होता है बेटा ANS। ANS का मतलब होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी का क्या करता है, इंटरनल चीजों को अपने आप रेगुलेट करता है हमें बिना बताए। जैसे कि सिंपल सा लॉजिक है, जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा हीट आती रहती है, तो हमारी बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स अपने आप क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और स्वेट रिलीज करने लगते हैं, ताकि वो इवोपरेट होगा बॉडी की सरफेस से, तो इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, तो हमारी बॉडी को कैसा लगने लग जाएगा, ठंडा लगने लग जाएगा। जब हमारी बॉडी में शुगर बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन नाम का एक हॉर्मोन खुद ही सीक्रेट होने लगता है, ताकि ब्लड शुगर लेवल्स क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है, जिसमें हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज होती है? एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जब हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड का काम रहता है इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्सेज देना। क्या देना? इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्सेज देना। जैसे कि अगर मैंने इसको मारा ऐसे, तो ये अपना क्या करेगा, हाथ हटा लेगा। आ रही बात समझ में? अब हाथ क्यों उठाते हैं, या जब किसी गर्म चीज को हम लोग क्या करते हैं, टच कर लेते हैं, तो फिर उसको टच करते हैं, फिर सोचते हैं कि अच्छा ये गर्म है, मेरा हाथ इससे जल सकता है, मुझे मेरा हाथ हटा लेना चाहिए, अच्छा मैं अपना हाथ हटा देता हूँ, इतना टाइम मिलता है क्या? नहीं, नहीं, झट से गर्म लगता है, हमारा हाथ क्या करते हैं, हटा लेते हैं। ये रिस्पॉन्सेस किसके होते हैं? हमारी स्पाइनल कॉर्ड के। किसके होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड तो के। ये क्या होता है, अच्छा आप, हम लोग इतना सोचते भी नहीं है, मतलब बिना सोचे समझे करते हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। दूसरा स्पॉन्टेनियस होता है, एकदम रुकते हैं क्या, फट से हाथ अपने आप पीछे हट जाता है। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेस जो क्या होते हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा किसी स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब बाहर कोई चीज गर्म लग गई, इन रिस्पॉन्स में जनरेट होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का किसी एक्सटर्नल चीज पे। आ रही बात समझ में? किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस पे। बोलो, कोई परेशानी? ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो कोई चीज अगर हमारी बॉडी के पास आ रही है तो वो कैसे आती है? तो हमने कहा हमारी बॉडी के पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनको आज से हम लोग क्या कहेंगे, रिसेप्टर्स। क्या कहेंगे? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स। तो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, स्टिमुलस देते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाला ऐसा कोई भी चेंज होता है, जिसके अगेंस्ट मेरी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी या रिएक्ट करेगी। जैसे कोई गर्म ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है मेरे लिए, स्टिमुलस हो सकता है, मैं हाथ हटा लूंगी, खाने की खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में पानी आ गया, तो खाने की खुशबू मेरे लिए क्या है, स्टिमुलस है। आ रही बात समझ में? मैंने कुछ देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, या कुत्ते को देख के मैं भाग गई एकदम से, तो मेरी आंखें जो है वो क्या कर रही है, वो कुत्ता क्या है मेरी आंखों के लिए, स्टिमुलस है।
अरे ये बात समझ में, मैंने कोई न्यूज सुनी मेरे को सुनते ही रोना आ गया या सुनते ही खुशी हो गई, तो अगेन वो भी क्या है मेरे लिए स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस को लेने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा दिया हुआ है, फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स क्या रिसीव करते हैं, साउंड। फिर आते हैं हमारे पास कौन से, फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या रिसीव करते हैं, लाइट, यानी कि हमारे विजन के जितने भी स्टिमुलस रहेंगे वो सारे कौन लेंगे, फोटो रिसेप्टर्स, जो कहाँ होते हैं, हमारी आईज में होते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं सिग्मो रिसेप्टर्स। सिग्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, टच वाले होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन, कि कोई चीज गर्म है तो हमने हाथ डालिया, कोई चीज एक्सट्रीमली ठंडी है तो हमने हाथ डालिया, कोई चीज बहुत पॉइंटेड है तो उसको हमने टच किया तो हाथ हटा लिया। ये सारी चीजें कहाँ पर आती है, सिग्मो रिसेप्टर्स में। फिर आते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, मतलब स्मेल वाले, जो कहाँ होते हैं, नोज में। और फिर लास्टली कौन आते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो हमारी टंग में होते हैं, यानी कि टेस्ट वाले। बहुत बार देखा है जब तुमको गर्म लगता है, गर्म गर्म तुम लोगों ने कुछ खा लिया तो मुंह से धुएं निकलते हैं या तुम उसको स्पिट आउट कर देते हो, ठीक है, तो वो सारी कहानी कौन देखता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स देखते हैं। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी। रिसेप्टर ने अगर कोई भी स्टिमुलस लिया, किसी भी रिसेप्टर ने कोई भी स्टिमुलस लिया, तो वो रिसेप्टर स्टिमुलस कहाँ से लेगा, न्यूरॉन के थ्रू लेगा। किससे लेगा, न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। न्यूरॉन बेसिकली क्या होता है, नर्व सेल होता है। न्यूरॉन क्या होता है, हमारा नर्व सेल, ठीक है ना। तो हमने कहा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। वो अलग अलग डायरेक्शन से क्या करते हैं, स्टिमुलस लेते हैं। अलग अलग डायरेक्शन से क्या करते हैं, सिग्नल्स लेते हैं, नर्व इम्पल्सेस लेते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन का डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो है आगे वाला पार्ट, यहां तक इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां तक वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेल बॉडी। क्या कहते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है, कहां तक का, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी में अपने आप में कितने पार्ट है, सबसे पहला ये डेंड्राइट, ये लिखा हुआ है डेंड्राइट, है ना। और यहाँ बीच में कहीं क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बाकी सब जगह क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ये जो डेंड्राइट रहते हैं, ये क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से नर्व इम्पल्स कलेक्ट करते हैं। नर्व इम्पल्स, इम्पल्स मतलब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स। तो हमारे बॉडी में जो भी सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स होते हैं। तो जो डेंड्राइट रहते हैं, ये हर जगह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स रिसीव करते हैं। और ये सारे सिग्नल्स कहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये लंबे वाले से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सन। तो एक्सन क्या होता है, सबसे लंबा फाइबर होता है जो सेल बॉडी से निकलकर आता है। एक्सन क्या होता है, सबसे लंबा फाइबर होता है जो सेल बॉडी से निकल कर आता है। और ये सारे सिग्नल्स कहाँ पर दे देता है, नर्व एंडिंग में। किसको दे देता है, नर्व एंडिंग में। और नर्व एंडिंग क्या करती है, इन सिग्नल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाती है, ठीक है। याद करो लास्ट ईयर जब मैं तुम लोग को क्या कराया था, ये वाली कहानी बताई थी, तब हमने कहा था ना, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग पहले दो पैरेलल लाइन बनाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर सी यू सी यू सी यू ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके अच्छा अंदर अब इस न्यूरॉन के पीछे एक और न्यूरॉन होगा, इस न्यूरॉन के पीछे कौन होगा, एक और न्यूरॉन होगा। लेट्स से ये नेक्स्ट न्यूरॉन है, ठीक है ना। ठीक है, अब दो न्यूरॉन के बीच में जो फंक्शनल गैप होता है, दो न्यूरॉन के बीच में जो फंक्शनल गैप होता है, ये गैप दिख रहा है दो न्यूरॉन के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में जो फंक्शनल गैप होता है, इसे हम लोग कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं, साइनैप्स। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस एट साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनैप्स होता है उस पे क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं साइनैप्स पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं, जो कौन रहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं, वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल में। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल में, और जो केमिकल सिग्नल्स रहते हैं वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर से इलेक्ट्रिकल में। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काय में कन्वर्ट हो रहे हैं केमिकल में, और केमिकल वापस काय में कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल में। और ये सब कहाँ पर हो रहा है, साइनैप्स में।
साइनैप्स क्या है? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स. साइनैप्स क्या है? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स. तो दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम लोग क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं. और साइनैप्स पे क्या होता है? साइनैप्स पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल में कन्वर्ट होते हैं, और केमिकल सिग्नल्स फिर से काय में कन्वर्ट होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. इज दैट क्लियर? इम्पल्सिस क्या होते हैं? इम्पल्सिस सारे की सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स हमारी बॉडी में क्या रहते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उन्हीं सभी को हम लोग क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्सिस बोलते हैं. अब जिस तरीके के हमारे पास न्यूरॉन होते हैं, जिस तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, या जिस तरीके के हमारे पास सिग्नल्स होते हैं, तो हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं. एक होते हैं टाइप्स ऑफ क्रेनियल न्यूरॉन्स. क्रेनियल न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन होते हैं? जो बेसिकली जो नर्व सेल्स ब्रेन से अराइज होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियल न्यूरॉन्स. यानी कि नर्व सेल्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन क्या कहलाएंगे? क्रेनियल न्यूरॉन्स. और जो नर्व सेल्स कहाँ से अराइज होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से. नर्व सेल्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड. नर्व सेल्स अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज व्हाट? स्पाइनल आर नोन एज व्हाट? स्पाइनल नर्व्स. इसके अलावा जो न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से सीएनएस पे जाते हैं, सेंस ऑर्गन से क्या जाते हैं? सीएनएस पे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उनको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं. जो न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कहाँ जाएंगे? हमारी मसल्स के पास जाएंगे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी मसल्स पे जाएंगे. उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन. उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन. और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते. सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, इसीलिए इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? रिले न्यूरॉन. इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? रिले न्यूरॉन. एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा. देखो, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है. ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? स्टिमुलस है. ये क्या है? स्टिमुलस है, ठीक है ना? अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट गर्म है, ये किसने बताया? रिसेप्टर्स ने. कौन से रिसेप्टर्स ने बताया? थिग्मो रिसेप्टर्स यानी कि स्किन ने. किसने बताया? थिग्मो रिसेप्टर्स यानी कि किसने बताया? स्किन ने बताया कि ऑब्जेक्ट क्या है? गर्म है. अब जहां पर स्किन थी वहीं पर न्यूरोन था. कौन सा न्यूरोन? सेंसरी न्यूरोन. सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज लेके गया किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास. क्या मैसेज लेके गया? गरम है, 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 गरम है. आ रही है बात समझ में? ये मैसेज किसको मिला? स्पाइनल कॉर्ड को. स्पाइनल कॉर्ड ने क्या मैसेज दिया? हाथ डालो, हाथ डालो, हाथ हटा लो. लेकिन सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन से डायरेक्टली बात नहीं करेगा, इसलिए सेंसरी न्यूरॉन को स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगी क्या? हाथ हटा लो. तो रिले न्यूरॉन किसको बोलेगा? मोटर न्यूरॉन को. रिले न्यूरॉन किसको बोलेगा? मोटर न्यूरॉन को. क्या बोलेगा? हाथ डालो, हाथ डालो, हाथ डालो, हाथ डालो, हाथ डालो, हाथ डालो, हाथ डालो. ये हाथ डालो मैसेज कहाँ पर जाएगा? हमारे इफेक्टर के पास जाएगा. इफेक्टर्स क्या होते हैं? मसल्स. इफेक्टर्स क्या होते हैं? मसल्स. मसल्स इफेक्टर्स क्यों होते हैं? बिकॉज वो मूवमेंट कॉज करते हैं. तो जब तक मसल्स मूव नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा? हाथ हटा नहीं पाएंगे. तो मैसेज किसके पास गया? इफेक्टर के पास, कि भैया गर्म है, हाथ हटा लो. और हमने हाथ हटा लिया. इज दैट क्लियर? इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. कैसे हुआ? सबसे पहले स्टिमुलस आया, गर्म ऑब्जेक्ट, मैसेज गया किसके पास? रिसेप्टर के पास. कौन से रिसेप्टर? थिग्मो रिसेप्टर्स इन स्किन, ठीक है ना? ये मैसेज किसके पास गया? सेंसरी न्यूरॉन के पास. किसके गया? पास गया सेंसरी न्यूरॉन के पास. सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड में गया. स्पाइनल कॉर्ड ने क्या बोला? हाथ हटा लो. तो रिले न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन को बोला क्या? कि हाथ हटा लो. मोटर न्यूरॉन किसके पास मैसेज देगी क्या? इफेक्टर के पास. इफेक्टर मतलब क्या होती है? हमारी मसल्स. मसल्स क्या हुई? कॉन्ट्रैक्ट हुई और मूवमेंट कॉज किया, जिससे हमने क्या करा? हमारा हाथ हटा लिया. इज दैट क्लियर? अब इस सारी प्रोसेस में एक मैसेज ब्रेन के पास भी देखो गया. देखो साथ में देख रहा है, मैसेज एक ब्रेन के पास गया. ब्रेन के पास मैसेज भेजने का क्या पर्पस होता है? ब्रेन के पास मैसेज भेजने का ये पर्पस होता है कि अभी ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में कोई रोल नहीं है, बट
मतलब ब्रेन नहीं बोलेगा कि हाथ हटाओ, पर ब्रेन के पास एक मैसेज जरूर जाएगा कि इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर दिखता है तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट कैसा होगा, गर्म होगा, और अगर इस तरह का गर्म ऑब्जेक्ट दिखे तो अगली बार आप हाथ ही मत लगाना। आ रही बात समझ में? यही रीजन होता है कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज जो रहते हैं वे आप एक बार कर लेते हो तो नेक्स्ट टाइम आप वो गलती वापस। तो पाथवे होता है, कौन सा पाथवे, जिसमें क्या होता है, हम लोग ये पूरी रास्ता समझ रहे हैं कि सबसे पहले कौन आया, स्टिमुलस, स्टिमुलस को किसने लिया, रिसेप्टर, रिसेप्टर को किसने लिया, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से ये स्पाइनल कॉर्ड में गया, जहां पर रिले न्यूरॉन ने ये सारी इंफॉर्मेशन किसको दी, मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन से किसके पास गया, इफेक्टर के पास, और इफेक्टर ने क्या करा, रिस्पॉन्स जनरेट किया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्स आर्क, जो तो रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा की पूरा पाथवे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। इज दैट क्लियर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जहां पर एक मसल फाइबर किसके कांटेक्ट में आता है, मोटर न्यूरॉन के कांटेक्ट में आता है। क्यों जरूरी रहता है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन किसको बोलेगा, मसल को बोलेगा कि हमको मूवमेंट कॉज करना है। ठीक है, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है, सेल बॉडी से एक्सन में जाता है, एक्सन से कहाँ जाता है, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से कहाँ जाता है, सैनैप्स पे जाता है, और सैनैप्स से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, जो भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो सारे कौन देखता है, स्पाइनल कॉर्ड देखती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सारी की सारी नर्व्स होती है, जिसमें 12 क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलती है, ब्रेन से, और 31, 31 पेयर्स किसके होते हैं, स्पाइनल स्पाइनल नर्व्स के, जो कहाँ से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ठीक है ना, नर्व्स को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स और रिले न्यूरॉन्स। मोटर कौन सी होती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ जाएगी, मसल्स के पास। सेंसरी कौन सी होती है, जो सेंस ऑर्गन से कहाँ जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और रिले कौन सी होती है, जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाती है, किन दोनों के बीच में, सेंसरी और मोटर के बीच। ठीक है, फिर ऑटोनोमस सिस्टम दो तरीका का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी रनिंग जो है तो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हमारा हार्ट रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सारा काम कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में एक्टिविटी लेवल्स को जब इंक्रीज होंगे तो चीजों को बढ़ाएगा। पैरासिंपैथेटिक उल्टा काम करता है, ये ब्रीदिंग रेट कम करेगा, ये हार्ट रेट कम करेगा। जैसे जब हम लोग सोते हैं तो ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, हार्ट रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे काम करते हैं, एक ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा तो दूसरा ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा।